हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लेस्ली मिरांडा। स्वागत है आप सबका मेरे ही चैनल में जिसका नाम है टेक्नो लेस्ली। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का हम जब भी डीपी चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्रॉप करने का ऑप्शन आता है दोस्तों। जब भी आप अपना पूरा फोटो अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो पूरा फोटो अपलोड नहीं होता है दोस्तों, तो वहाँ पर हमें क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट्सअप पर हम अपना पूरा फोटो किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक ऐप की ज़रूरत लगेगी जिसका नाम है व्हाट्स क्रॉप। ये व्हाट्स क्रॉप ऐप आपको जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वो ऐप अपलोड करने के बाद वहाँ पर आपको एक आपको जो आपको फ़ोटो है वो आपको सिलेक्ट करके फिर उसको वहाँ पे लेना होगा, उस ऐप में सिलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप वहाँ से वो फ़ोटो जिस तरह से आपको सेट करने का है उस तरह से आप जो सेट करने के बाद वो सेव करने का है, वो सेव करने के बाद दोस्तों अपने आप वो अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपने व्हाट्सएप के अंदर एक अपना जो डीपी होता है उसका जो फोटो रहता है वो पूरा किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर अपना जो ऑफिशियल व्हाट्सएप रहता है उसका जो डीपी होता है वो हम पूरा उस पर हम अपना फोटो पूरा नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है दोस्तों। तो उसके लिए हमें अपना पूरा फोटो रखने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत लगेगी दोस्तों। तो वो ऐप हमें जो है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी जिसका नाम है व्हाट्स क्रॉप, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मली मैं आपको बता दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है हमारा फोटो व्हाट्सएप पर पूरा नहीं अपलोड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना व्हाट्सएप ओपन करते हैं, मोबाइल में जाने के बाद वहाँ से व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं अपना एक सेटिंग में जाने के बाद ये जो सेटिंग है उस पर क्लिक करता हूँ और वहाँ से मैं अपना एक डीपी चॉइस करता हूँ ऊपर से, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं अपना खुद का एक डीपी चॉइस करता हूँ, यहाँ से गैलरी में जाता हूँ। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो चॉइस करता हूँ जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है दोस्तों। अभी ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो अभी मुझे क्रॉप करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जबकि मेरे को ये पूरा फोटो रखना है। तो मुझे क्या करना होगा, वही ऐप इस्तेमाल करना होगा तभी ये मेरा पूरा फोटो मैं वहाँ डीपी पर रख सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी रखना रख दूँ तो ये थोड़ा कट हो सके होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी इसका सॉल्यूशन वही है व्हाट्स क्रॉप ऐप, वहाँ से हम जो है अपना इमेज पूरा का पूरा रख सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों। तो ये डेमो के लिए मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहाँ से जो है व्हाट्स क्रॉप डाउनलोड करेंगे और आगे की स्टेप आपको मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ और फटाफट से बैग जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ये जो व्हाट्स क्रॉप मैंने ऑलरेडी इसे सेट करके रखा था, चाहे तो मैं वापस से बैग जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ व्हाट्स क्रॉप, ठीक है दोस्तों। व्हाट्स क्रॉप सर्च करने के बाद ये जो ग्रीन कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है वही अपना ऐप है व्हाट्स क्रॉप, ठीक है दोस्तों। अगर ये आप चाहिए आपको तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे तो वहाँ से भी आप उस पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इसको इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। 6.76 MB का है, तो अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। व्हाट्सएप पर ये हमारा फोटो जो अपलोड नहीं होता पूरा का पूरा, तो इसी ऐप से हम जो है उसको अपलोड करके दिखाते हैं आपको। तो ये अभी कुछ सेकंड इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये अभी इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसे फटाफट से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ लोडिंग लेगा, ठीक है दोस्तों। अभी ये नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से मैं गया ये जो स्क्वायर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट आप फोटो पे क्लिक करता हूँ,
प्रोसीजर करने के बाद मेरा ये जो फोटो है मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मेरा ये फोटो है, ठीक है दोस्तों, आप ये लेफ्ट साइड में घुमा है तो मैं इसे जो आपको नीचे एरो दिखा रहे हैं उस पर क्लिक करता हूँ और इस सीधा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये मेरा पूरा फोटो यहाँ आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ या छोटा भी कर सकता हूँ, जितना आपको रखने का है वो अपने डीपी के हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, मेरा कोई इतना ही रखने का है या फिर आप थोड़ा जूम कर और भी बढ़ा सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अभी मेरा पूरा का पूरा ये फोटो दिखेगा दोस्तों डीपी में। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस ऐप का, जो आपको मार्कर दिखा दे रहा है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर में जाएंगे आप, तो उसका यहाँ से आपको यहाँ से कलर भी मिल जाएंगे दोस्तों अलग अलग तरह के। ठीक है दोस्तों, इस तरह के अलग अलग कलर है, तो आप वो भी अपने बैकग्राउंड में रख सकते हैं। मैं नहीं रखता, मैं आपको खाली ऑप्शन दिखाया है, मैं कैंसिल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वापस क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इमेज बैकग्राउंड इमेज मिल जाता हूँ। यहाँ से भी आपको बहुत सारे कैटेगरीज वाइज फोल्डर मिल जाएंगे, जहाँ से आप आसानी से कोई भी ये इमेज अपने डीपी के बॉर्डर पर रख सकते हैं। मैं अभी कुछ नहीं रख रहा हूँ, मैं आपको खाली दिखाता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह के कुछ इमेजेस है जो आपको अगर पसंद आए तो आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस से बैठ जाता हूँ। और बहुत सारी है, लाइट्स है, उसके बाद है वुड का भी है। ठीक है दोस्तों, डार्क का है, क्लासिक है, द पैटर्न लाइब्रेरी भी है। ठीक है, मैं अभी कोई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को खाली नॉर्मली अपना पूरा का पूरा फोटो अपलोड करने का है, इसके लिए मैं इस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी फोल्डर में के फोल्डर से आपको इमेज रखने हैं बैकग्राउंड में आपके डीपी के, तो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट से बैग जाता हूँ और ये जो मेरा पूरा फोटो है, ये ध्यान देखिएगा दोस्तों, ये जो अपना राउंड है सर्कल दिखा रहा है दे रहा है, वो अपना डीपी है फोटो का, जो अपना व्हाट्सअप के दोस्तों को ये दिखेगा राउंड, वही अपना फ्रेम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो नीचे आपको एरो दिखाई दे रहा है राइट साइड का, उस पर क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों, कुछ सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी ये मेरा डीपी जो है यहाँ तक दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा अपने व्हाट्सअप डीपी पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ जो नीचे ड्राइंग करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फटाफट से उसमें क्लिक करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद ये मेरा पूरा का पूरा फोटो यहाँ आ चुका है दोस्तों। पहले तो मेरा पूरा का पूरा फोटो नहीं आ रहा था, थोड़ा क्रॉप हो रहा था, अभी ये मेरा पूरा का पूरा फोटो जो है हमारे प्रोफाइल में सेट हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जो है अपना आपको भी यही तकलीफ हो रही होगी कि किस तरह से हमारा पूरा का पूरा फोटो हम अपने व्हाट्सअप डीपी पे रख सकते हैं, तो यही ऐप आपको इस्तेमाल करना होगा, व्हाट्स क्रॉप। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐप से आप अपना पूरा का पूरा फोटो जो है अपने व्हाट्सअप डीपी में रख सकते हैं। तो आज के लिए यही टिप्स थी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको व्हाट्सक्रॉप की ऐप की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है टेक्नो लेस्ली। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।